हेलो फ्रेंड, अगर आप ओप्पो स्मार्टफोन यूज करते हो तो अक्सर अपने फ़ोन में पिन लॉक, पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक, सिक्योरिटी लॉक जरूर लगाते होंगे। खैर फ्रेंड, इस वीडियो में आपको मैं बता दूंगा यदि आप ओप्पो स्मार्टफोन का पिन, पैटर्न, पासवर्ड लॉक भूल जाते हो तो इसे कैसे आप अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं ओप्पो का ऑल एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में बात करूंगा। ओप्पो का कोई भी मॉडल हो, ओप्पो F3S हो या ओप्पो F5S हो, ओप्पो F15S हो, ओप्पो का A सीरीज का मॉडल हो या ओप्पो का कोई भी सीरीज का मॉडल हो, जी हाँ फ्रेंड, ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि ओप्पो FRP अनलॉक कैसे किया जा सकता है। यदि आप लोग अपने स्मार्टफोन में लॉक लगा दिए हो ओप्पो का, जिसमें पिन लॉक हो, पैटर्न लॉक हो, पासवर्ड लॉक हो, और अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो, बार बार यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो, तो फ्रेंड एक चीज का मैं ध्यान बताता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ जानकारी, क्योंकि ज्यादा लॉक को अनलॉक करने के लिए आप लोग रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हो तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा यूज करने पे यहाँ पे आपको टाइम भी शो होने लगता है, कभी 30 सेकंड होगा, फिर 3 मिनट होगा, फिर ऐसे करते 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 अधिक भी हो सकता है, तब तक आपके लिए पासवर्ड लॉक को अनलॉक करना नहीं मानेगा, क्योंकि आप लोग पासवर्ड को यूज करोगे तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड यूज होगा तो यहाँ पे आपका पासवर्ड बैन हो जाएगा, यानी कि आपका पासवर्ड यूज होगा ही नहीं। तो इस कारण ये वीडियो में आपको मैं बता दूं कि ये अपने स्मार्टफोन को, ओप्पो स्मार्टफोन को कैसे अनलॉक किया जा सकता है बिना सर्विस सेंटर जाए हुए, बिना पैसा वेस्ट किए हुए, और बिना कंप्यूटर की मदद से, आप बिना डाटा लॉस। जी हाँ फ्रेंड, आपका डाटा भी डिलीट नहीं होगा। आपको मैं बहुत ही ट्रिक बताऊंगा, 2023 का न्यू मेथड बताऊंगा जनवरी का। तो फ्रेंड आइए इस वीडियो को आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। फ्रेंड पहले आपको चले आना है लॉक स्क्रीन पे। लॉक स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे देखोगे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करने के बाद ऊपर से आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट जैसे ही आप ऊपर से कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे एयरप्लेन मोड का ऑप्शन आपके आपके सामने मिलेगा, तो ये ऑप्शन आप लोग ऑन जरूर रखिएगा, क्योंकि ये ऑन रहेगा तभी आपका FRP अनलॉक करने में बहुत ही भाई मदद भी मिलेगा, और ये हेल्पफुल एयरप्लेन मोड होता है, क्योंकि ये ऑन नहीं रहेगा फिर तो आपका जितना वर्क किए हो, जितना मेहनत किए हो, सारा सारा बर्बाद हो चुका होगा। ये वीडियो फिर से दोबारा देखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप अपने ओप्पो स्मार्टफोन को घर बैठे बैठे अनलॉक कर सकते हो ये 10 सेकंड में। फिर से ऊपर के सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा आपका बैटरी प्रतिशत चेक करना बहुत जरूरी है, तो कि ताकि बीच में आपका अटके नहीं फ्रेंड, बीच में अगर मोबाइल ऑफ हो गया तो आपका मोबाइल डेड भी हो सकता है, इसलिए मैं बता दूं मोबाइल का बैटरी प्रतिशत 50 से प्लस ही रहना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे एक कोड डायल करना होगा *0#85214478#90#। इस कोड को डायल करने के बाद यहाँ पे इसे 3 बार कॉल कर दीजिएगा 1, 2, 3, एंड देन इन कोडों को आप लोग कॉपी में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये कोड बहुत ही हार्ड कोड होता है, मास्टर कोड है, क्योंकि एक भी ये कोड मिस्टेक से छूट गया तो आपका वर्क नहीं कर पाएगा। फिर एंड देन इस कोड को आप इरेज कर लीजिएगा, इरेज करते यहाँ पे एक कोड और डालना होगा *#899#, अप्लाई कीजिएगा। अपने मोबाइल के सेटिंग इंजीनियर मोड पे आप लोग आ जाओगे, फिर मैनुअल टेस्ट पे 4 नंबर पे मिलेगा, इस पे आने के बाद 2nd नंबर पे आप लोग आइएगा, सबसे नीचे वाला में आ जाइएगा, OTG टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इस पे क्लिक करके यहाँ पे 20 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका OTG बताएगा कि आपका वेरीफाई पास होगा या नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से करेंगे, यदि हो गया तो यहाँ पे बस होने के बाद होम बटन क्लिक कीजिएगा, आपका फोन अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। पर देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो एंड देन भाई यहाँ पे हमारा ऑप्शन फेल हो चुका है, फिर इसे बैक करके यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन पे ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पे जायस्कोप पे देख रहे हो, यहाँ पे जायस्कोप पे क्लिक करके यहाँ पे ग्राफ पे क्लिक कर लीजिएगा, XYZ का बीच वाला क्रॉस वाला लाइन दिखिएगा ध्यान से, और यहाँ पे आपको मात्र 5 से 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। आपको लगे कि 10 सेकंड कम्प्लीट हो चुका है तो इसे आप बैक कर लेना। बैक करने के बाद यहाँ पे जायस्कोप सेल्फ टेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे टेस्टिंग में यहाँ पे दिखिएगा, आपका टेस्टिंग पास हो चुका होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा सेकंड भाई ऑप्शन अच्छा है, यानी गुड लक है, सेकंड ऑप्शन मेरा बढ़ के कर रहा है। डाटा डिस्प्ले पे क्लिक करके यहाँ पे 20 या 30 लाइन तक कंप्लीट होने दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जितना आपका डाटा है आपका एप्लीकेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ ये डाटा आपका सेव होता रहेगा कि आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा। बहुत ही आसानी ट्रिक है फ्रेंड, आप अपने फोन को घर बैठे भी अनलॉक कर सकते हो बिना पैसा वेस्ट किए हुए। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 30 लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ध्यान से 30 लाइन में 30 लाइन कंप्लीट हो चुका है। फिर इसे आप बैक कर लेना है। बैक करने के बाद नॉइस डाटा पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट करके, और यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस जैसे ही चेंज होगा, होम बटन को आप क्लिक कीजिएगा, आप अपने एंड्रॉइड
स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाओगे। देख सकते हो यहाँ पे विदाउट डाटा लॉस फ्रेंड, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि फिर यहाँ पे सर्विस सेंटर आप लोग जाओगे तो अपने फोन को अनलॉक करने के लिए पैसा भी मांगेगा, समय भी मांगेगा और डाटा आपका भी वेस्ट भी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, तो प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।